हरिद्वार में आज हो रहे पंचायत चुनाव के दौरान रोहिलकी किशनपुर की बीएलओ कल्पना चौहान पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि नेत्रहीन लड़की को बुलाकर बीएलओ कल्पना चौहान ने खुद उसका वोट डाला। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन क्या कर रहा है और इस मामले को लेकर प्रशासन क्या फैसला लेने वाला है। प्रशासन के द्वारा इतनी सख्ती के बावजूद भी इतनी बड़ी चूक पंचायत चुनाव में आखिर कैसे हो पाई, या फिर इसमें किसी बड़े अधिकारी की मिलीभगत थी। नेत्रहीन लड़की ने अपना बयान भी दिया है कि उसकी बहन का भी इसी प्रकार से गलत तरीके से वोट डलवाया गया।